हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है जिसको हम 30-40 सेकंड में निपटाने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हम मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये एग्जाम्पल हो जाएगा और एक ये एग्जाम्पल हो जाएगा और इसी तरह से सारे एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लेते हैं? डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द वे। मैनुअली कैलकुलेटिंग विल बी अ बर्डन सम। अगर यहाँ पर मैं 100x100 की ग्रिड बना देता हूँ तो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। कर भी लिया तो पूरे पेपर पर सिर्फ एक ही सवाल कर पाओगे, जो कि ये होगा। अब ध्यान से देखो, इसको करने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हमारे पास टोटल 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इस पूरे फिगर में और हमारे पास टोटल 5 वर्टिकल लाइंस हैं। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाते हो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें दिखेगा कि हर रेक्टेंगल 2 वर्टिकल लाइन से और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा और एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना के ट्राई कर सकते हैं। तो सिंपली 2 वर्टिकल लाइन चूज करनी है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज करनी है। वर्टिकल लाइन को चूज करने के तरीके 5C2 हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को चूज करने के भी 5C2 हो जाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।